आज विधानसभा के सामने सीटू अनुबंधित ओडिशा राज्य पाचिका महासंघ की ओर से कई मुद्दों को लेकर लोअर पीएमजी के पास एक विक्षोभ समावेश अनुष्ठित हो गया है। इसको लेकर पूरे राज्य से आए हुए पाचिका कर्मी मास्टर कैंटीन से एक विराट शोभा यात्रा निकलकर लोअर पीएमजी के पास पहुंचे थे। वहां सीटू के राज्य संपादक जनार्दन पति अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि राज्य सरकार पाचिकाओं को सब निम्न वेतन प्रदान करे, उनको सरकारी कर्मचारी का मान्यता भी प्रदान करे, 60 साल के बाद उनको सरकारी बीमा और पेंशन देने का सुविधा उपलब्ध किया जाए। इस सभा में राधा रमन सड़ंगी, मलय भोई समेत दिलीप नायक भी शामिल थे। जे न्यूज से जामिया तक, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक, दिल्ली से पली तक, हर आदमी रोड पर आ गया इस सरकार में। 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर NRC, लेकिन हम यहाँ जो खड़ा हुए, यहाँ जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये NRC के लिए नहीं, 370 के लिए नहीं, कि राम मंदिर के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए यहाँ खड़ा हुई है। ये आंगनबाड़ी केंद्र से पाचिका है, वो आज किचन से बाहर कर रास्ता में आ गए। इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको आइए सुनिए। जो आज ये पाचिका ऑल ओडिशा मिड डे मील वर्कर्स यहाँ इकट्ठा हुए है, इसके मुद्दा यहाँ रहा है जो सर्वनिम्न मजदूरी, सर्वनिम्न न्यूनतम वेतन, उसका 18,000 मंथली पेमेंट और ईयरली 2 पीस साड़ियाँ, ILC कमिटी की निष्पत्ति के बारे में जो हुआ था, जो उनको श्रमिक की मान्यता और क्या, जो वॉशिंग पाउडर, तो जो पेंशन के लिए दाबी, तो उनको स्कूल में छोटे ही उनका तनख्वाह 2,000 रुपया मांग करने के लिए वो लोग इकट्ठा है, और उसको वर्कर्स का मान्यता देना चाहिए, क्योंकि स्कीम वर्कर्स है, गवर्नमेंट उसको मान्यता देते नहीं। ये पहला मांग है कि हर एक स्कीम वर्कर्स को और MDM वर्कर्स को उसको श्रमिक का मान्यता देना चाहिए, क्योंकि श्रमिक का मान्यता नहीं देने से उनका कोई मतलब, वर्कर्स का जितना भी स्ट्रक्चरल लॉ होता है उसका कोई काम आदमी आता है नहीं। इसीलिए उनके पहला डिमांड है कि उसको स्कीम, ऑल स्कीम वर्कर्स MDM को मिला के उनको श्रमिक का मान्यता देना चाहिए, उनको 2,000 रुपया तनख्वाह देना चाहिए। भुवनेश्वर से प्रदीप नायक, सनमार्ग, ओडिशा।